नहीं, मैं कोई बांसुरी की क्लासेस नहीं ले रही हूँ. ये जब लास्ट टाइम मैं इंडिया गई थी ना, तो मम्मी ने केयूष के लिए, जन्माष्टमी के लिए, मेरा बहुत मन था कि उसको सजाऊं कृष्णा के जैसे. तो ज्यादा कुछ तो नहीं मिला था, तो मम्मी ने ये बांसुरी और ये मुकुट दिया था और कुछ ज्वेलरीज एंड ऑल. तो पता नहीं केयूष पहनेगा या नहीं, बट जस्ट फॉर फन मैं देखना चाहती हूँ उसको पहना के. और ये एक इंटरेस्टिंग स्टफ है जिसको देख के शायद वो दूसरी चीजें भी पहन ले. और इंडिया में तो इस टाइम जन्माष्टमी राखी गई है, अभी कितने सारे फेस्टिवल्स आने वाले, टाइम स्टार्ट हो गया ना लाइक फेस्टिवल वाला, तो ऑल अराउंड कितना ज्यादा कलरफुल होता है और कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है. ये वाला टाइम मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ. मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात कि फेस्टिवल टाइम पे मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ इंडिया. तो एनीवेज आज जन्माष्टमी है और होप आप लोगों की जन्माष्टमी बहुत अच्छी गई होगी. आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा. महाराष्ट्र में तो दही हांडी होती है ना, बहुत ज्यादा फन होता है ना. मैं एज सच घर पे जन्माष्टमी हमने कभी सेलिब्रेट नहीं की. छोटे होते हुए भी बस ऐसे ही जाते थे, झांकियां देखने जाते थे. और यशा के बाद जब हम दिल्ली में रहते थे तो अपार्टमेंट्स में तो होता ही है ना कोई भी फंक्शन, हो स्पेशली जन्माष्टमी में बहुत अच्छा फंक्शन होता है. लाइक बच्चों को राधा कृष्णा सजा के ले जाते हैं, डांस एंड ऑल. तो येशा को मैंने सजाया था, उसकी कुछ पिक्चर्स मैं डाल दूंगी यहाँ पे, आप जरूर देखना. और उस टाइम तो वो क्या ड्रेसअप करेगी मेरे ऊपर डिपेंड करता था. अराउंड 1.5 साल की थी वो जब जन्माष्टमी वहां पे पड़ी थी. और कैनेडा आने के बाद इस टाइम पे हम कभी भी इंडिया नहीं गए, तो और मेरे पास कुछ है भी नहीं उसका लहंगा या फिर हैवी सूट एंड ऑल, क्योंकि उसको पहनने में उतना इंटरेस्ट था नहीं. बट आजकल उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने में. तो नेक्स्ट टाइम जब इंडिया आऊंगी तो डेफिनेटली मेरी शॉपिंग लिस्ट बहुत लंबी है येशा केविश के लिए. केविश के लिए तो फिर भी मैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स, पजामा, कुर्ता, आपने देखा ही है धोती कुर्ता, काफी कुछ लाया था मैंने. बट लास्ट टाइम मैं सूट भी लेके आई थी येशा के लिए, बट वो बहुत ज्यादा लूज है तो लटकता है, उसे लगता है हैंगर को पहना दिया हो कुछ. तभी मैं ट्राई करने वाली हूँ कि केविश को थोड़ा सा सजाऊं जस्ट फॉर फन. सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन. होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मजे में होंगे. ओके, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुझे आप लोगों से दो इम्पॉर्टेंट बात करनी थी. पिज्जा वाले ब्लॉग में जहाँ पे मैंने घर पे पिज्जा ट्राई किया था, उसमें दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया था कि मैंने मैदा क्यों यूज नहीं किया और ईस्ट क्यों नहीं यूज किया. तो मैंने उस ब्लॉग में भी बताया था कि मैं कोई परफेक्ट पिज्जा नहीं बनाना चाहती. मुझे पता है, मैंने भी रिसर्च किया था कि प्रॉपर मैदा, ईस्ट ये सब यूज करके परफेक्ट पिज्जा बनता है, लाइक ब्रेड बनता है उसका. तो मुझे यूज नहीं करना था, मैदा भी नहीं यूज करना था, ईस्ट भी नहीं यूज करना था. और इसीलिए मुझे एक हेल्दी ऑप्शन बनाना था जो कि डेफिनेटली परफेक्ट पिज्जा नहीं लगेगा, बट बच्चों को पसंद आना चाहिए और कुछ डिफरेंट हो जाता खाने के लिए. और जस्ट फॉर फन एक्सपेरिमेंटल कुकिंग करी थी, मुझे कोई परफेक्शन नहीं लाना था. मुझे पता था कि परफेक्ट नहीं होगा, बट जो भी होगा खाने लायक होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, मजा आना चाहिए. और हमने बहुत मजा किया और सबने अच्छे से फिनिश कर दिया पिज्जा, बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, सबका फिनिश हो गया. और ईस्ट हेल्दी होता है या नहीं होता है मैं उस पर नहीं जाऊंगी, बहुत सारे कॉन्ट्रोडिक्ट्री आर्टिकल्स नेट पे, तो मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती. अगर आप खाना चाहते हो, नहीं खाना चाहते हो, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है. और हाँ, नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊंगी तो मैं हाफ मैदा और हाफ आटा यूज करके देखूंगी क्या होता है. सो ये था पिज्जा ब्लॉग पे जो बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे उसका आंसर. और सेकेंड, कल जो मैंने होम डेकोर का वीडियो अपलोड किया था, यू नो यूट्यूबर का कॉमेंट सेक्शन ना, उसका रिपोर्ट कार्ड होता है. और जब मैं होम डेकोर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके देखती हूँ तो आप लोगों ने मुझे 100 में 200 मार्क्स दिए और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. आप लोगों को इतना ज्यादा अच्छा लगा है हर एक डेकोरेशन, हर एक कॉर्नर, और इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया है आपने मेरे प्रेजेंटेशन को. कुछ डिफरेंटली करने की कोशिश की मैंने और उसको आपने एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच. और हाँ, उस वीडियो पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि मैंने कैनवस को हैंग कैसे किया. तो मैंने आपको बताया था कि मैं कमांड हुक ही यूज करती हूँ कुछ भी हैंग करने के लिए. बट हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कमांड हुक कैसे यूज करते हैं. वो आप सर्च कर लेना, आप जस्ट यूट्यूब पे कमांड हुक सर्च करोगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे कि कमांड हुक को कैसे वॉल पे लगा के कैसे यूज करते हैं. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैनवस हैंग कैसे किया है. तो ये कैनवस मैं हटा देती हूँ, ये रहा कमांड हुक. इसमें कोई हैंग करने के लिए थ्रेड नहीं है, बट ये वाला जो स्पेस है ना, इट्स एनफ कि वो इसमें जाके स्टक हो जाए. ये देखो, ऐसे ये गया
डन। होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आज पता है कृष्णा जी है ना भगवान जी, उनका हैप्पी बर्थडे है। कृष्णा जी का हैप्पी बर्थडे है, तो इसको इस फेस्टिवल को बोलते हैं जन्माष्टमी। जन्माष्टमी हाँ, इसमें अच्छे से ड्रेसअप करते हैं। थोड़ी देर रखना केयूश, ठीक है? फिर मम्मा ओपन कर देंगे, बट लिटिल बिट। मम्मा बस क्लिक क्लिक कर ले, उसके बाद आप ओपन कर देना, ठीक है? ये मेरा कान्हा और ये हमारी मॉडर्न राधा। कैसे लग रहे हो आप? हाँ बजाओ बजाओ बजाओ। आज राधा जी को तैयार करते हैं। ये येशा का ड्रेस है जो इंडिया से ही लिया था जब शादी में गए थे। तो ये हमारी मॉडर्न राधा बन गई है। ये देखो हमारी राधा रानी तैयार हो गई है। मैंने शायद फर्स्ट टाइम इसको हल्का सा लिपस्टिक लगाया। और ये है हमारे कान्हा जी जिन्होंने बिंदी पहन ली है। कान्हा जी मुकुट भी पहन लो। कान्हा जी ये है हमारे कान्हा जी और इनको भी चीज और मक्खन बहुत ज्यादा पसंद है। पता है कियूश, जो कान्हा जी थे उनको ना चीज और बटर बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, और वो अपने मम्मा से छुप छुप के बटर खा लेते थे, मक्खन, और फिर उनकी मम्मा ना उनकी पिट्टी करते थे। और ये येशा के ड्रेस के ऊपर मैंने अपनी चुन्नी लगा दी है जो थोड़ी सी लहंगे जैसा लुक आ रहा है। येशा को अच्छा लगा? या हाँ बैंगल। और ये मेरी शादी का टीका। ओए कान्हा जी फिर से खोल दिया मुकुट। अब ये मम्मी को कॉल कर रहे हैं, उनको अच्छा लगेगा देख के। मोर का पंख मिसिंग है कान्हा जी का, तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होता है मोर का पंख। आप बताओ आपने जन्माष्टमी में कुछ स्पेशल किया या नहीं बच्चों के साथ? इंडिया में तो डेफिनेटली इतना कुछ होता है, आप घर पे कुछ ना भी करो तो आसपास देख के ही इतना इतना अच्छा फेस्टिवल मूड बन जाता है, बहुत ही ज्यादा कलरफुल लगता है। ये देखो बाजू बंद बना लिया कि उसने अपने आप बैंगल को ऊपर करके। It's okay, ऐसे भी रख सकते हैं। It's okay. बोल, क्योंश बोलना कैसा लगा? कैसा लगा? बताना। बताना। आप भी बोल दो यशा, कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको? बताना। बताना। ऐसे हिंदी बोलते हैं। आप हमेशा पूछते हो ना कि इनको हिंदी सिखाओ। इनको हिंदी सब आता है, बस वो बोलने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। I feel shy. बट जहाँ पे इनको पता होता है ना कि बिल्कुल इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, वहां पे हिंदी बोल लेते हैं। लास्ट टाइम जब हम इंडिया गए थे तो ये शकी एक कजन है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, छोटी है वो बहुत, वो उसके साथ धीरे धीरे देख रही हो हिंदी में बात कर रही है। तो ये बहुत कनिंग होते हैं बच्चे, इनको पता होता है कि कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है जब इंडिया जाते, मैनेज कर लेते हैं। सुबह से बस मस्ती हो रही थी, 11 o'clock हो गए, 11:15 हो गए और मुझे अभी लंच बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी में क्या बनाऊँ, फ्राइडे है, कुछ डिफरेंट सा खाने का मन है। तो आज ब्रेकफास्ट को लेके आते हैं, लंच में गोभी का पराठा बनाते हैं। मैं सोच रही थी पुलाव बनाने का वेजिटेबल्स डाल के, बट बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं है, बस आलू गोभी मटर ही है। तो
सोच रही हूँ गोभी का पराठा बनाती हूँ, पुलाव में भी वीकेंड में बना लूंगी। ये गोभी मैंने ग्रेट कर लिया है और गोभी को मैंने मॉर्निंग में ही वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया था ताकि इसमें बिल्कुल मॉइस्चर ना रहे। और इसमें मैं डालूंगी जिंजर, कोरिएंडर लीव्स, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। मैं सॉल्ट अभी नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि सॉल्ट डालने से ना पानी पानी हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है और फिर जब आप पराठा बेलते हो तो पराठा फट जाता है। यही प्रॉब्लम होती है गोभी के पराठे में, मूली के पराठे में। तो मैंने पहले भी बताया था, आप भी ये ट्रिक यूज करके देखना अगर आपके गोभी के पराठे परफेक्ट नहीं बनते तो। सो पराठा बेलते टाइम जब आप स्टफिंग डाल रहे हो गोभी का, उस पॉइंट पे आप सॉल्ट डालो और थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करके डाल दो। तो उससे क्या होगा कि मॉइस्चर नहीं होगा और जो भी रिमेनिंग मॉइस्चर है वो आटा स्प्रिंकल करने से वो सोख लेगा उसको और फिर आपका पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा। और पराठे के लिए आटा मैंने फ्रेश अभी गूंदा है तो उसमें भी मैंने सॉल्ट डाल दिया था तो अच्छा लगता है। और इस मसाले में अजवाइन भी डाल के देखना, अच्छा टेस्ट आता है। और इसी में से थोड़ा सा स्टफिंग निकाल लूंगी और उसके बाद ग्रीन चिली ऐड करेंगे। गोभी का पराठा डिफरेंट तरीके से बनता है। काफी लोग दो अलग अलग रोटी बना के फिर स्टफिंग पूरा फैला के और फिर ऊपर से फिर रोटी चिपका के वैसे भी बनाते हैं, वैसे भी अच्छा लगता है। और फिर काफी लोग ऐसे ही गोभी को ग्रेट करके उसको फ्राई करके मसाले में उसके बाद लाइक गोभी को कुक करके फिर बनाते हैं। मैंने सारा मेथड ट्राई किया है बट मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। लाइक सबको, अनुज को भी यही वाला पराठे का स्टाइल ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा फ्लूट तो दिखा दो, बांसुरी दिखा दो डैडी को बजा के। Were you hiding it? हाँ मैं हाइड कर रही थी ना कि नया देखेगा आज तो पहन लेगा अच्छे से। ये बोल है ना, इधर देखो, इधर देखो, केश ऐसे रखे। अरे वॉश कर, अरे कियुष्णा आजकल फिर से नैप लेने लगा है और आज तो वैसे भी क्लाउडी क्लाउडी वेदर हो रहा है, बिल्कुल सोने टाइप्स वाला ही लग रहा है। ब्लैंकेट देख के मन कर रहा है कि उसके अंदर चले जाओ और थोड़ा हल्का सा नैप ले लो, मजा आ जाए। तभी वो सो रहा है, ये शाह होमवर्क कर रही है और मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। कितना इंटरेस्टिंग काम है ना कपड़े फोल्ड करना। आई विश वो मशीन होता ना जो धो के सुखा के और बिल्कुल प्रेस करके बाहर निकालता है। होटेल्स एंड बिग होटेल्स एंड ऑल में होते हैं ना बिग बिग मशीन्स, बस वैसी मशीन्स हो जाने चाहिए हर एक घर में। और ये देखो कॉस्को से कल मैंने ये शर्ट लिया अपने लिए, कैसा है, अच्छा है ना? For you? हाँ, थोड़ा थिक मटेरियल है तो विंटर्स के लिए, लाइक स्टार्टिंग विंटर्स के लिए, सितंबर मंथ टाइप्स के लिए अच्छा रहेगा। और स्कूल स्टार्ट होने वाला है तो येशा के लिए थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करनी ज़रूरी है, तो उसके लिए ये लिया है मैंने। लॉन्ग टी शर्ट टाइप है, टी शर्ट ड्रेस टाइप से। और अभी मैं काट रही हूँ मैंगो, येशा को आइसक्रीम में मैंगो मिला के खाना है। yeah. वैसे वो जनरली बनाना मिला के
आइसक्रीम में फिर खाती है वनीला आइसक्रीम जो नॉर्मल वाला फ्लेवर होता है वो. Yeah, you can put any kind of food. बड़ा मजा आता है ना इस तरह से कट करने में, बिल्कुल बड़ा फैंसी सा लगता है. ये बन गया येशा का वनीला मैंगो आइसक्रीम. इवनिंग के अराउंड 6 o'clock हो रहे हैं और अनुज आ गए. बस हम सेवन फूड तक जा रहे हैं, वॉक करते हुए ही जा रहे हैं. कुछ एक लाइब्रेरी बुक्स भी रिटर्न करनी है और सेवन फूड से देखते हैं छोटी मोटी सब्जियां लेके आते हैं. डिनर भी बनाना है. काफ़ी देर हम सोचते रहे, पहले सोचा चलो बाहर चलते हैं, फिर सोचा वेज खाना है, बाहर क्या खाएंगे, वेज में कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता. तो फिर बस तभी जाते हैं सेवन फूड, थोड़े वेजीज एंड ऑल लेते हैं. मैं भी पुलाव ही बनाऊंगी. अनुज बोल रहे थे चलो वेज बिरयानी बनाते हैं. वेज बिरयानी हाँ डाल दो. लाइब्रेरी बंद हो जाता है ना तो ऐसे बॉक्सेस रखे हुए हैं मॉल के बाहर, तो इसी में ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी टाइम पे. हाँ जस्ट ड्रॉप इन. डाल दो हो जाएगा. ये देखो गाइस हमारे किचन में खाना बनने से पहले सैलड रेडी हो गया और कुछ बिरयानी बन रहा है, पुलाव बन रहा है, क्या बन रहा है ये बनने के बाद खाना बनने के बाद में पता चलेगा कि एग्जैक्टली बन क्या रहा है. तो यहाँ पे अनियन हो गया है चॉप और हम लेके आए हैं बीन्स और गाजर. गोभी चाहिए? ये लो गोभी. और क्या चाहिए सर? बीन्स धो के दे दूं? ओके. तो यहाँ सब्जियाँ काट के रख ली है, बीन्स आलू गोभी गाजर और यहाँ पे फ्राई हो रहा है अनियन. जब मम्मा को करते हैं तब तो आप नहीं आते हो हेल्प कराने, है? डैडी को कर रहे हैं तो अब येशा को भी हेल्प करना है. मैं और किरुष यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं और किचन में जोरों शोरों से बिरयानी पुलाव कुछ तो बन रहा है, अच्छा सा बन रहा है, खुशबू अच्छी आ रही है. किरुष क्या कर रहे हैं? ड्राइंग कर रहे हैं. खाना रेडी हो गया. कितना टाइम लगता है खाना बनाने में? मम्मी अच्छा नोट करना नेक्स्ट टाइम जब मम्मा खाना बनाए. मम्मी यू आर फास्ट आई एम सुपर फास्ट. नोट करना. तो दोस्तों हमारा डिनर तैयार हो चुका है, ऐसा सा कुछ दिख रहा है वो. और यहाँ है रायता और सैलड. कभी कभी जब कुकिंग ना करनी पड़े और बना बनाया घर का खाना मिल जाए तो मज़ा आता है. अरे खाने का रिव्यू देना तो भूल ही गई, वो तो बनता है ना. गुड है. गुड जॉब डैडी. गुड जॉब. थैंक यू. तो चलिए हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं और होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा. थम्स अप जरूर देना, अनुज की कुकिंग के लिए ही थम्स अप दे देना और हमारे छोटे से कान्हा और क्यूट सी राधा के लिए भी थम्स अप दे देना. और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज. बाय बाय. See you tomorrow.